वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है रेडमी नोट 14 4G और साथ में है मेरे पास रियलमी C70 5X। तो अगर हम दोनों ही फ़ोन्स की प्राइस के बारे में बात करें तो दोनों ही फ़ोन जो हैं वो प्राइस में कुछ डिफरेंस है, इनके कोई 12 या 13 हज़ार का डिफरेंस है। तो स्पीड टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के और वीडियोस और अपडेट्स आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहें। तो दोनों ही फ़ोन्स को मैंने बूट अप कर लिया है, कुछ स्पेसिफिकेशंस में हैं जो वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम रेडमी की बात करें तो यहाँ पे हमें फ्रंट साइड पे एक एमोलेड 120Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस है और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 85% है। कोरोना ग्लास 5 की सपोर्ट देखने को मिलती है फ्रंट साइड पे। अदर साइड अगर हम रियलमी की बात करें तो IPS वाला डिस्प्ले है 120Hz के साथ, सेम बेजल एक्सपीरियंस है। 720 वाला डिस्प्ले है, आर्मर शेल ग्लास की सपोर्ट देखने को मिलती है। रेडमी नोट 14 यहाँ पे बूट अप हो चुका है। अगर हम यहाँ पे प्रोसेसर्स की बात करें तो गेम थोड़ी सी डिफरेंट है। नोट 14 में हमें G99 देखने को मिलता है और GPU में माली G57 की सपोर्ट देखने को मिलती है और HyperOS की सपोर्ट यहाँ पे HyperOS 2.2 की अपडेट्स यहाँ पे चल रही हैं। और अगर हम रियलमी का फ़ोन भी बूट अप हो चुका है लेकिन काफ़ी टाइम बाद हुआ है। यहाँ पे अगर हम रियलमी की प्रोसेसर्स की बात करें तो G81 अल्ट्रा देखने को मिलता है, 12 नैनोमीटर के पर बेस्ड है। माली G52 लगा हुआ है जो कि मुझे लगता है कि एक डाउनग्रेड है बहुत बड़ा वाला। और प्रोसेसर में यहाँ पे Antutu की बात करें तो हमें 100,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, 100,000 स्कोर का। सो बाकी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स हैं दोनों की तरफ से, लेटेस्ट UI चल रही हैं। तो दोनों ही 120Hz पर मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं और दोनों ही हम लोगों ने इंटरनेट से इन पे कनेक्ट कर लिए हैं। पहले हम कुछ सिस्टम एप्लीकेशन वगैरह ओपन करेंगे। सबसे पहले फ़ोन डायलर, तो यहाँ पे अगेन रियलमी स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं मैसेजेस अगेन। यहाँ पे रेडमी नोट 14 स्लाइटली फास्टर, क्रोम ओपन कर लेते हैं अगेन। यहाँ पे रियलमी स्लाइटली फास्टर है तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ओपन करेंगे apple.com। तो इससे हमें पता चलता है नेटवर्किंग में कि कितनी अच्छी से नेटवर्किंग होल्ड करता है वाईफाई पे। तो बहुत सारे फ़ोन हैं, आप लोगों को पता है कि वाईफाई पे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। सो यही टेस्ट आउट करेंगे। सो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ apple.com दोनों ही फ़ोन्स में, सेम टाइम पे ओपन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रियलमी का फ़ोन जो है वो स्लाइटली फास्टर है लोडिंग में। तो यहाँ पे उसने जल्दी ओपन कर लिया पेज को और यहाँ पे रेडमी नोट 14 भी सिंपली 1-2 सेकंड का रिले होगा। तो वो भी अभी लोडिंग, पिक्चर्स लोडिंग नहीं हुई, इससे ये पता चलता है कि नेटवर्किंग का जो जो सीन है वो यहाँ पे रियलमी C75X का थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दोनों सेम वाईफाई पे कनेक्टेड हैं और दोनों पे सेम परफॉर्मेंस है, यहाँ पे वाईफाई पे मुझे लगता है स्पोर्ट में थोड़ा सा आगे पीछे है। इसके बाद हम ज़ैपे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आई थिंक सो रेडमी नोट सिंपली स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं अमेजोन प्राइम अमेजोन। तो अगेन आई थिंक सो तो यहाँ पे रियलमी के जो फ़ोन है उसकी जो नेटवर्किंग है वो मुझे लगता है कि अच्छी है। यहाँ पे रियलमी ने पेज ओपन कर लिया है अमेज़ॉन का और अभी तक रेडमी नोट 14 की जो नेटवर्किंग स्पीड है वो इतनी कम है कि अभी तक उसने ओपन ही नहीं किया, हालांकि सेम इंटरनेट पर है। सो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा रीबूट किया है तो अभी देखते हैं दोबारा से। यहाँ पे रेडमी ने दोबारा ओपन कर लिया है, हमें एक दफ़ा फिर दोबारा से ओपन करते हैं ताकि फेयर कॉम्पिटिशन किया जाए। दोबारा दोनों ऐप्स को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन रियलमी ने फास्ट ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा काम स्लो है रेडमी में लेकिन फिर भी अच्छी स्पीड है, कोई इतनी बुरी नहीं है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस तो है। बाकी आप एंड पे चेक करेंगे स्पीड टेस्ट में क्या एक्चुअल में है, उसके बाद कैंडी क्रश आएगा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे नोट 14 स्लाइटली फास्टर है। उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं, CPU थ्रोटलिंग ऑन कर देता हूँ मैं आपको एंड पे। CPU थ्रोटलिंग में टेस्ट चेक करवाऊँगा कितना स्कोर वगैरह ये सारा कुछ E2C हर चीज़ चेक करवाऊँगा। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। उसके बाद हम ओपन करते हैं ग्रैनी। तो यहाँ पे अगेन आई थिंक सो नोट 14 स्लाइटली फास्टर होने वाला है। सो यहाँ पे
बाकी हमें विजुअल एक्सपीरियंस की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। IPS आई तो यूज़ किया गया है लेकिन अच्छी क्वालिटी का IPS यूज़ किया गया है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं इंस्टाग्राम। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है इंस्टाग्राम दोनों में सेम टाइम पे ओपन हुआ है और यहाँ पे अभी राइट नाउ मुझे रियलमी थोड़ा सा फास्ट नज़र आ रहा है, लोडिंग में सारी पिक्चर्स वगैरह लोडिंग जल्दी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। मूवी बॉक्स अगेन आई थिंक सो यहाँ पे रियलमी स्लाइटली फास्टर है। स्क्रोलिंग की बात करें तो रेडमी नोट 14 प्रो जो है वो थोड़ा सा लैग करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं स्नैपचैट। अगेन यहाँ पे रियलमी स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं सबवे सर्फा। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे रेडमी नोट 14 आई थिंक सो स्लाइटली फास्टर होने वाला है। बाकी हम चेक कर लेते हैं, यस रेडमी नोट 14 यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है। सो इसको हम दोबारा क्लोज़ करके, इसमें मैंने ऐप ओपन ही नहीं किया, सो इसको मैं ज़रा क्लोज़ करके दोबारा ओपन करता हूँ। वाईफाई मैं ज़रा ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है दोनों ही फ़ोन्स में। सो मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ विदाउट वाईफाई। सो यहाँ पे अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो जो दोनों ही फ़ोन्स में देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे Redmi Note 14 ने जल्दी ओपन किया और एक सेकंड की डिले पे यहाँ पे Realme ने ओपन कर लिया है। उसके बाद टेम्पल रन ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे कुछ मेजर डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आया दोनों ही फ़ोन्स में। अगेन यहाँ पे नाउ Redmi Note 14 मच फास्टर। सो यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं टेम्पल रन पे। इसके बाद हम वाईफाई ऑन करते हैं और अभी हम कुछ और टेस्ट करेंगे इसके। सो यहाँ पे सबसे पहले एक्स ओपन कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे रियलमी स्लाइटली फास्टर है। उसके बाद हम ओपन करते हैं टिकटॉक। अगेन आई थिंक सो रेडमी नोट 14 नाउ स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ स्पॉटिफाई। अगेन यहाँ पे आई थिंक सो रियलमी C75X स्लाइटली फास्टर है। तो नोट 14 में अभी तक ओपन ही नहीं हुई। HyperOS में बहुत ज़्यादा ग्लिचेज हैं, मैंने पहले लास्ट टाइम भी वीडियोस बनाई हैं इस पर, काफ़ी ज़्यादा इस पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो HyperOS मुझे लगता है कि ऑप्टिमाइज होने वाला है। अगेन यहाँ पे रियलमी C75 है। तो यहाँ पे हम ट्रेंडिंग पेज खोल लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स का, शॉर्ट कॉल लेते हैं। अगेन यहाँ पे C75X स्लाइटली फास्टर है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आप देख सकते हो लोडिंग में। सो इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम रैम मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों ही फ़ोन की पहले रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं वन बाय वन करके। पहले हम रियलमी की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। सो अगर हम मैनेजमेंट होल्ड की बात करें तो रियलमी 7 से 8 ऐप्स आराम से होल्ड कर लेता है पैक पे, अच्छी रैम मैनेजमेंट के साथ आता है। मुझे कोई इतना मेरा ये चौथा पांचवा कंपैरिजन है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आउट किया रियलमी को। सो रियलमी ज़्यादा ऐप्स ओपन करने पे लैग करता है लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स देता है। रियलमी का फ़ोन इतना कोई बुरा नहीं है। फर्स्ट ऑफ इंप्रेशंस मेरे इसके बहुत बुरे थे कि ये फ़ोन बिल्कुल बेकार है। अगर हम CPU थ्रोटलिंग की बात करें सबसे पहले वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर स्कोर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। रियलमी यहाँ पे 1,00,000 से 20,000-30,000 तक प्रोवाइड कर रहा है। रेडमी नोट 14 यहाँ पे 1,70,000 तक का प्रोवाइड कर रहा है। और स्टेबल यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो 84.5% है रेडमी नोट 14 में, 94% यहाँ पे स्टेबिलिटी है रियलमी में। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बाद हम मैं रैम मैनेजमेंट चेक करवा देता हूँ नोट 14 पे। रेडमी नोट 14 की रैम मैनेजमेंट कोई इतनी ख़ास नहीं है, 3 से 4 ऐप्स ही ओपन कर पाता है बैक पे। उसके बाद ये ऐप्स क्लोज़ कर देता है। सो यहाँ पे स्टिल देर है कुछ ऐप्स। तो उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें एक एक वन बाय वन करके चेक करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो। देखिए अमेज़ॉन यहाँ पे रिस्टार्ट हो गया। इसके बाद कैंडी क्रश ये वहीं पे है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको रैम मैनेजमेंट का बिल्कुल भी इशू नहीं होने वाला। सो अभी हम यहाँ पे स्पीड टेस्ट चेक करेंगे, एक्चुअल में जो नेटवर्किंग स्पीड टेस्ट है।
जो कि मैं आपको बता रहा था कि नेटवर्किंग का इशू है, तो मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे अब चेकआउट करते हैं कि एक्चुअल में इशू है दोनों फ़ोन्स में। तो रियलमी का मैंने पहले भी चेकआउट किया हुआ है, तो बाकी यहाँ पे पहले इसका चेकआउट करते हैं कितनी स्पीड प्रोवाइड करता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की दोनों की चेक करेंगे। सो ये 15 MB का इंटरनेट है। सो 15 MB के इंटरनेट पर हमें 11-12 MB की स्पीड देखने को मिल रही है अपलोडिंग की और डाउनलोडिंग की, और अपलोडिंग की स्पीड भी यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिल रही है, 16-17 MB की स्पीड देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं Redmi Note 14 की तरफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7-8 MB की स्पीड देखने को मिल रही है। तो नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, तो हाफ मतलब डिस्प्ले नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे वाईफाई की जो जनरेशन्स हैं मुझे लगता है कि वो ओल्ड यूज़ की गई हैं। सो आप ये चीज़ें माइंड में रखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो बाकी अगर परफॉर्मेंस के मामले में Redmi Note 14 यहाँ पे सिंपली विनर है। बाकी अगर दोनों में से आप कोई भी फ़ोन ले लोगे तो आपका लॉन्ग टर्म चल जाएगा, दोनों ही एक बजट कैटेगरी के फ़ोन हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।